ना हम कोई जुल्म करते हैं, ना कोई फसाद करते हैं, सिर्फ प्यार मकसद है हमारा, सिर्फ और सिर्फ प्यार। भाई क्या हो गया? हाय मेरा प्यारा भाई, मेरे भाई कितने अच्छे हैं, कितने क्यूट हैं, कितने हसीन हैं, बहुत अच्छे। अरे तुम्हारी जान, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी, तुम्हें झूला झूलना। क्या हो गया? हाय मेरा प्यारा भाई, मेरे भाई कितने अच्छे हैं, कितने क्यूट हैं, कितने हसीन हैं, बहुत अच्छे, सबसे अच्छे भाई हैं, दुनिया के सबसे अच्छे बेहतरीन भाई, प्यारे से होंठ भी आपके, देखिए मूंछें भी है, इतनी प्यारी प्यारी होए मेरा भाई, मुझसे कभी दूर नहीं जाइएगा, मैं आपकी छोटी सी बहन हूँ। यशम क्या हुआ चंदा? देखिए अभी भी मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं ठीक तो हूँ, देखिए ठीक हूँ, बस आप खुश रहिए भाई, हंसते मुस्कुराते रहिए, रोइएगा नहीं कभी, ठीक है ना? मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती, समझ रहे हैं ना आप? हाय मेरी जान, हंसे 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 चले, हाय मेरे क्यूट भाई, कितने प्यारे, कितनी प्यारी स्माइल है, बहुत अच्छे, कभी रोइएगा नहीं, बस यशम बस करो अब। पता नहीं आज इसे हम सब पर ही बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, मेरा मतलब है कि मुझे भी ऐसे ही लिपटी हुई थी और इसी तरह से प्यार कर रही थी, मेरा और यालिन का वाचप हो गया है ना, तो हम दोनों को लेके ये कुछ ज्यादा ही खुश है, अंदर मुझ पर प्यार आ रहा था और यहाँ पर यालिन पर। हाँ यशिम बस करो ना। तुम जेलस हो रहे हो है ना, तुम चाहते हो मैं तुम्हें प्यार करूं, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं करूं गले लगाऊं तुम्हें, बहुत प्यार करूंगी तुम्हें तो, पता नहीं जान, लेकिन अब तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। बहुत प्यारे हो तुम मेरी जान, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी, तुम्हें झूला झूलना, तुम्हें झूला झुलाऊ मैं, आज बाहर चल के झूला झुलाती हूँ। धोखे बाज पे शर्म कहीं का, वो इतने दिन से बेवकूफ बना रहा था मुझे, आंखें देखो जरा इसकी। कौन सी आंखों की बात कर रही हो, वो तो तुमने खराब कर दी कैंची मार मार के। सबर रखे जरा, बस देखती जाए मैं क्या करती हूँ इसके साथ, बेशर्म इंसान। हाय अब क्या करें, वो क्यों आ गया यहाँ? हाय लड़की अब आ गया है ना, तो बिल्कुल तमीज से बात करना उससे, चलो रुके। एसडी आपा, मैं आपसे कह रही हूँ आपको दरवाजा खोलने की कोई जरूरत नहीं है। दानिश मेरी जान, ये मेरे घर पर है। जानता हूँ लैला, दरवाजा तो खोलें, अंदर तो आने दें। मैं तो कोशिश कर रही हूँ दानिश, एसगी हटो यार। आखिर कोई बताएगा अंदर हो क्या रहा है? नहीं, सलाम दानिश। सलाम लैला। जाओ उसके पास, गुस्से में है बहुत, चलो जाओ। ये क्या है? क्या नजर नहीं आ रहा तुम्हें दानिश? एसगी मैंने क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया तुमने, और तुम्हारे जैसा शरीफ इंसान कुछ कर भी क्या सकता है, वैसे भी दानिया ही तुम्हारे पीछे आई होगी है ना, सही कह रही हूँ ना मैं? दानिया वो कहाँ से आ गई? दानिश वो तुम्हारे साथ ही, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। बस करो एसगी, तुम भी ना, मैंने उसे हक किया तो मैं इस बात पे गुस्सा आ रहा है। तुम कुछ और करते हुए देखती तो क्या तब गुस्सा करना चाहिए था मुझे बताओ, तुम्हें किस करता हुआ देखती तब गुस्सा जायज था मेरा? हाँ अगर वो करते देख लेती तुम तो फिर तुम्हारा गुस्सा जायज होता, हक करने से क्या होता है यार। कितना बेशर्म इंसान है, कोई बड़ी बात ही नहीं इसके लिए ये। एसकी देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। सही कहा। वो बहुत परेशान थी, मैं तो सिर्फ मदद कर रहा था। ऐसी क्या परेशानी थी जो गले लगा लिया? वो नहीं बता सकता, लेकिन एसकी फिलहाल हमें अपने मसले हल करने चाहिए। कौन से मसले? यही जो अब तक तुम मुझ पे भरोसा नहीं करती यार। नहीं होता क्या करूं? जानता हूँ जानता हूँ, तभी तो तुम्हारी बच्चों वाली हरकतों के बावजूद भी तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहना चाहता हूँ। देखो
मेरे लिए और मुश्किलात पैदा मत करो तुम प्लीज यार। इनको यहां से जल्दी से हटा दो तुम, अगर कोई देख ले तो मेरी गर्लफ्रेंड को पागल समझेगा। बुक पढ़ी तुमने? हाँ हाँ। ये लो। अरे थैंक यू। खा लो जल्दी। बहुत मजे का है। तुमसे ज्यादा नहीं। डेफने, तुम उस दिन चिमनी में क्या कर रही थी? नहीं बताना मुझे। अरे मुझे ठंड लग रही है यार बहुत ज्यादा। अरास, यशम को सर्दी लग रही है। डेफने, चिमनी जला दो जरा। उसको जलाने के लिए क्यों कह रहे हो तुम? हाँ, इसको जलानी आती है, पिछली दफा भी इसी ने जलाई थी, इसलिए कह रहा हूँ उसे। यालन ने सही कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो मेरी जान। आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं चिमनी जला दूंगी। सही कह रही हो, अब तुम ही जलाओगे। ए, जल्दी उठो। हेलो, जेफ ने जितना कहा है उतना करो, फजूल की बातें करने की जरूरत नहीं है, वरना उसी आग में जला दूंगा तुम दोनों को। और तुम उठो यहाँ से, चलो उठ जाओ, बाहर आओ मेरे साथ। जब देखो दोनों फजूल की बातें करते रहेंगे बैठ के। यशम, तुम तो अपने भाई को जानती हो, हर जगह पर जब देखो मेरा पीछा करता रहता है। उस दिन उसने मुझे चिमनी में देख लिया था, तब से पूछे ही जा रहा है कि बताओ मुझे वहाँ क्या कर रही थी। अरे हाँ, कसम से सही कह रही हो यार, हम लोग तो कोई भी काम ना यहाँ पर छुप कर ही नहीं सकते, मतलब कोई प्राइवेसी ही नहीं है हमारी। यशम, एक काम करते हैं, कोई अच्छा सा प्लान बनाते हैं जब तक दोनों वापस आते हैं। हम क्या प्लानिंग करेंगे वैसे डेफने? यशम, हम दोनों मिलकर इन पहाड़ों की गारों में जाएंगे और वहां से ढेर सारा कोयला निकालेंगे। आई, हम दोनों मिलकर तुम्हारे भाई के उन लेटर्स को जोड़ने की कोशिश करेंगे। आई, हम कितने अच्छे हैं, यहाँ तक कि हमारे मंसूबे भी कितने अच्छे हैं। और उनका मकसद भी सिर्फ प्यार फैलाना है, सिर्फ प्यार। ना हम कोई जुल्म करते हैं, ना कोई फसाद करते हैं, सिर्फ प्यार मकसद है हमारा, सिर्फ और सिर्फ प्यार, बस प्यार। हाँ बरूची, हमने यहाँ आके बहुत अच्छा किया। आने की वजह अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वजह तो वाकई बहुत बुरी थी। और मेरा तो दिल कर रहा है कि सातिर जलाल का इसी से सर फाड़ दूँ। बहुत जल्द हम ये भी कर लेंगे। वैसे भी तो फैल भाई ने अपना काम तो कर ही दिया है, अब कब तक मुंह छुपाएगा? उस बंदे का पता चला जो यशम का पीछा कर रहा था? ये तो रात को दानिश से बात होगी तो पता चलेगा, या तो वो पकड़ा गया होगा या पुलिस ढूंढ रही होगी। क्यों दसदा नहीं मैनू किथे लग तेरा दिल गया वे, मैनू लगदा तेनू कोई होर मिल गया है।